मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ नंबर्स विदाउट ग्रुपिंग एंड विथ ग्रुपिंग। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि ये विदाउट ग्रुपिंग क्या है और विथ ग्रुपिंग क्या है। ठीक है, हमें प्लस करना है सपोज मान लीजिए सिक्स फोर टू थ्री टी और वी एम टू एड। ओके, यदि हम प्लस करते हैं वन स्टेप हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लाइक सबके सामने उसको एडेंट को किसी एक कॉलम में लिख लेंगे। यदि हम इसको प्लस करते हैं देखिए सिक्स थ्री नाइन मतलब एक ही डिजिट वाली संख्या आ रही है सिक्स थ्री नाइन फाइव थ्री एट टू और वन थ्री फोर और टू सिक्स सिक्स थ्री नाइन एंड फोर। ठीक है, वन सिक्स हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लाइक फोर लाइक नाइन्टी सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टी नाइन। बट विथ ग्रुपिंग क्या है ध्यान रखिएगा, यदि हम दो डिजिट्स को जोड़ने पे से वंस को हम जोड़ रहे हैं और उनका सम दो डिजिट हुआ है मीन्स नाइन से ज्यादा है फिर क्या करते हैं, यदि इसमें हमें प्लस करना है यदि इसे हमें प्लस करना है देन व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं तो इसको हम प्लस करते हैं तो दो संख्या आ जाएगी सेवन और एट फिफ्टीन आएगा। तो जो ये नंबर है दिस डिजिट इन बोर्ड को ठीक है कैरी इसको कैरी करके जाके ये यहाँ पे होना चाहिए ध्यान रखिएगा इसी तरह। ठीक है, एट और टू टेन और वन इलेवन ये कैरी में जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ आ जाएगा दो वन यहाँ आ जाएगा फिर आप जोड़ेंगे नाइन और टू इलेवन और वन ट्वेल्व कि यहाँ भी ये दो डिजिट का है वंस वाले को छोड़ देंगे टेंस वाले को फिर ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ भी वन आ गया फिर जोड़ेंगे एट और फाइव थर्टीन और वन फोर्टीन राइट, इसमें भी दो डिजिट्स हैं सो वन जो टेन सोलह डिजिट है उसको फिर कैरी में यहाँ जाएंगे। ठीक है, और वन देखिए सेवन और सिक्स थर्टीन और वन फोर्टीन अगेन दिस वन विल बी कैरीड आउट टू दिस एट दिस पोजिशन राइट, ये वन हो गया और फिर ट्वेंटी सिक्स फिफ्टी नाइन और वन टेन फिर यहाँ दो डिजिट आया और फिर इस वन को कैरी करके वन को यहाँ जाएगा और फिर फोर और वन फाइव। ठीक है, तो ये हमारा नंबर हो गया जोड़ दिया आ गया फाइव जीरो फोर फोर टू वन फाइव वन सेवन हंड्रेड प्लस वन सेवन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लाइक टेन है। ठीक है, ये देखिए ये नया नंबर इस चीज को ध्यान रखिएगा दिस इज द वे कि विथ ग्रुपिंग कैसे करते हैं कि जब हम वंस वाले को ऐड करते हैं यदि इसके दो डिजिट्स आए तो जो टेन सोलह डिजिट है वो लेफ्ट कैरीड आउट यहाँ ये कैरी करके यहाँ आएगा अगले अगले पोजिशन पे। यदि वंस वाले पे जोड़ेगा तो टेन्स वाले पे आएगा
इस वाले में नहीं आया तो ये 100 वाले में आएगा, ऐसे कैरी करते करते करते। तो दिस इज विद ग्रुपिंग एंड दिस इज विदाउट ग्रुपिंग, ठीक है। जस्ट हिट इफ यू हैव टू ऐड, यदि इनको आपको ऐड करना है तो सबसे पहले हम कॉलम में लिखेंगे, ध्यान रखिएगा कि 5, 7, 8, 1, 10, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 5, 4, 3, 2, and 1, ठीक है। बस कर लीजिए सिंपल, तो ये यही चीज इस लेसन में यही है मैक्सिमम, ठीक है। आपको कुछ क्वेश्चन इस टाइप से मिलेंगे, यहाँ पर कैरी होकर के क्या आ रहा है, यहाँ पे लेफ्ट कैरी आउट में क्या आ रहा है, ठीक है। तो आज 7 और 8, 15, तो 5 कैरी आउट में क्या जाएगा, तो इसमें यही डायरेक्ट होगा। 9 और 6, 15 और 1, 16, ठीक है, 16, और इसमें कैरी में क्या जाएगा, 1 जाएगा। 9 और 5, 14 और 1, 15, फिर यहाँ पर एक कैरी में जाएगा, यहाँ जाएगा 9 to 11 or 1, 12, फिर एक 1 जो कैरी में जाएगा और ये यहाँ जाएगा, और 9 और 1, 12, इसीलिए। तो इन दिस वे दिस चैप्टर मतलब एक्सरसाइज है, पार्ट बी जो है आप इसे बना लीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हमारे।